अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एक नई वीडियो के साथ। कैसे हो आप सब लोग, कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के दिन, क्या कर रहे हो आप लोग आजकल? गर्मी तो थोड़ी सी कम हो गई है, आगे और भी कम होती जाएगी। मेरी फरमाइश पे, मेरे कहने पे भाभी से मैंने स्पेशल आज हलीम बनवाई। वो इसलिए क्योंकि जब आपके लिए कोई चीज़ बेचता है, जैसे कि आपके कोई नेबर्स या आप लोग के फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग उनका बर्तन रख लेते हो तो अच्छा नहीं लगता कि आप वो खाली हाथ भेजो। तो इसलिए मैंने भाभी से कहा कि काफ़ी टाइम हो गया हलीम नहीं बनी, तो आप हलीम बना दो। तो हमारे घर बर्तन पड़े हुए थे किसी के, तो मैंने सोचा उसमें उनके लिए हलीम भेज देंगे। तो फिर मैं उसके बाद पार्सल्स में डालने लगी हलीम को। तो अब जब यह पार्सल मैंने बंद कर दिया, मुझे फिर उसके बाद याद आया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो मैं ऑफ कैमरा हो गई थी, कि इस पार्सल में तो हलीम जब मैं गाड़ी में लेके जाऊंगी देने के लिए तो वो इससे गिर जाएगी। तो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल किया करें कि पार्सल्स में आप लोग कोशिश किया करें सॉलिड चीज़ों को बंद करें। मीन्स के जैसे ये गिरने वाली चीज़ें, तो जैसे दही हो गया या फिर ऐसे सेवैयाँ हो गई, तो ऐसी चीज़ें आप लोग कोशिश करें शोरबे वाली कोई चीज़ ना डालें क्योंकि उसके गिरने का ख़तरा होता है। तो इस तरह आप लोगों की गाड़ी भी गंदी हो सकती है और ऐसे ही ज़ाया हो जाती है चीज़। तो उसके बाद मैंने इसको दही के डब्बों में डाल दिया था। कतर में अक्सर दही के डब्बे, आइसक्रीम्स के डब्बे इतने प्यारे बने होते हैं कि जब आप उसको खाली करते हो आपका उसको धो के तो फेंकने का दिल ही नहीं करता। तो आप लोग उसको धो के संभाल लिया करो, वो इसी तरह पार्सल करने के लिए काम आ जाते हैं। इसी तरह ये छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट डब्बे जो कि होटल के बिरयानी के सैलड इसमें यहाँ आ रहा होता है, या फिर इसमें उन्होंने गिनी चुनी छोटी सी क्वान्टिटी में चटनी भेजी होती है, ये भी मैं संभाल लेती हूँ क्योंकि अब जैसे मुझे फिर ये गार्निशिंग की चीज़ें पैक करनी थी तो उसके लिए मैंने इनको यूटिलाइज कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने बाकी छोटे छोटे पार्सल्स में बिरयानी डाल दी थी और ये सब पैक करके मैं अपनी फ्रेंड को देने भी चली गई थी और जिनका बर्तन हमारे पास था मैं उनको भी देने चली गई थी। फिर उसके बाद बहुत टाइम हो गया था और कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो मॉल ऑफ कतर में तो मुझे नहीं जाना था क्योंकि पर्सनली मुझे मॉल ऑफ कतर सिर्फ घूमने के लिए पसंद है, शॉपिंग के लिए मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। क्योंकि मॉल ऑफ कतर के R&B और गल्फ मॉल के R&B में बहुत डिफरेंस होता है, इवन चीज़ों की वैरायटी का भी डिफरेंस होता है। तो हम लोग गल्फ मॉल आए थे बहुत अरसे बाद, क्योंकि हम लोग घर शिफ्ट कर चुके हैं। तो घर शिफ्ट करने के बाद मैं बहुत अरसे बाद गल्फ मॉल आई, वरना तो मेरा दूसरा घर गल्फ मॉल ही होता था। तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे, काफ़ी खुला मैदान उनको मिला हुआ था, वो लोग हैप्पीली उसमें खेल रहे थे और बहुत अच्छी शॉपिंग लगी हुई थी R&B की, बहुत ज़बरदस्त बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग लगी हुई थी। तो मैं इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन उसके लिए आप लोग कल परसों की वीडियो का वेट करें, मैं आप लोग के साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी अपना पूरा लॉट के मैं क्या लाई हूँ और मैंने क्या शॉपिंग की है, तो आप लोग भी जाके कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने सोचा बाथ एंड बॉडी का चक्कर लगा लिया जाए अगर उसमें कोई अच्छी सी सेल लगी हो, लेकिन कोई भी सेल नहीं लगी हुई थी इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्योंकि बाथ एंड बॉडी की चीज़ों की फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो तभी अफोर्डेबल होती है जब वहाँ पे कोई अच्छी सेल लगे। स्पेशली वहाँ पे एंड ऑफ द ईयर 70% ऑफ लगती है, वो एक बहुत बेस्ट सेल होती है। आप उसमें अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर भी लेते हो तो बंदे को खफगी नहीं होती क्योंकि वो आइटम्स आप लोग की फिर माशाल्लाह से पूरा साल चलती रहती हैं। फिर उसके बाद आप लोग जैसे ही बाथ एंड बॉडी से निकलते हो, सामने वहाँ पे एक 925 सिल्वर की शॉप्स लगी होती हैं छोटी छोटी, उसमें बहुत आप लोग को कोई अच्छी सी चीज़ें मिल जाएंगी गिफ्ट करने के लिए, मतलब बिल्कुल रीजनेबल भी होती हैं, विदिन 100 की रेंज में आपको ब्रेसलेट, रिंग्स कुछ भी मिल जाते हैं जो आपको लेना होता है। इवन नोज पिन तो सिर्फ 20 रियाल की होती है सिल्वर की। अब मैंने इस बच्चे से पूछा मन्नो से कि तुम्हें ये किसके लिए लेना है, कहते मामा के लिए। मैंने कहा तुम्हें कौन सा लेने, तो हंसना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक बहुत प्यारा सा सेट देखा, जब मैंने उसकी प्राइस पूछी तो 500 रियाल थी, लेकिन काफ़ी प्यारा था वो माशाल्लाह। ये सारी मेरी R&B की शॉपिंग है, तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो इसको देखने के लिए तो आप लोग वेट करो मेरी वीडियोस का, जिसमें मैं आप लोग के साथ अपनी पूरी शॉपिंग डिटेल में खोल के शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करना इसी लालच में कि आप लोग को भी देखना है कि मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। फिर उसके बाद मैंने शायद
शायद अपने किसी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था कि हम लोग सुकल अली के शवरमे को जन्नत का शवरमा मेरी कज़न्स कहती हैं, तो हम लोग भाभी की फरमाइश पे वो लेने चले गए थे। उसके लिए मैं आप लोग को ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप लोग के पास उधर का नंबर है या कुछ, तो आप लोग पहले से ऑर्डर दे दो, या फिर आप लोग कहीं जा रहे हो तो आप लोग वहाँ ऑर्डर दे दो और वापसी पर वो उठा लो, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा रश होता है कि मैं आप लोग को सीरियस वाला बताऊँगी कि हम लोग गल्फ मॉल से 10:00 निकले और 10:44 हो रहे थे और हमारा अब तक ऑर्डर नहीं आया था। हमारे साथ छोटी सी बच्ची थी, वो भी इतना ज़्यादा रोना शुरू हो गई थी। हम लोग भी गाड़ी में काफ़ी तंग हो गए थे, ना हम उतर सकते थे ना क्या, क्योंकि आप लोग इनसे टांगों से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये सिर्फ पैदल वाला रास्ता, इसके अलावा पार्किंग में गाड़ियाँ भी खड़ी थी जो ऑर्डर दे चुके थे। फिर उसके बाद में मुश्किल हमें हमारा ऑर्डर मिल गया और हम घर ले आए शवरमा, और ये रहा मेरा शवरमे की शक्ल। तो बस इसको खा के फिर हमने मज़ा किया, और मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग भी ख्याल किया करें बाकी लोगों का। अगर आप लोग के पास भी किसी का बर्तन आ जाता है तो कोशिश किया करें खाली ना भेजें उसको, उसमें कुछ ना कुछ डाल के, बेशक आपके घर जो भी बना वही डाल के भेज दिया करें। तो बस इसी के साथ मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी स्पेशल अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।